नमस्कार दोस्तों, टोपी वाला बंदर। जी हाँ, आज की मेरी कहानी का शीर्षक यही है। एक गांव में एक आदमी रहता था, वो टोपी बेचने का काम करता था। वो अपने गांव के आसपास के दूसरे गांव में घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। वो सुबह सुबह अपने टोकरे में बहुत सारी टोपियां रख लेता। टोपियां रंग बिरंगी होती थी और इधर उधर गाँव में जाकर उनको बेचता था। एक बार वो टोपियां बेचने दूसरे गाँव में जा रहा था। दोपहर का समय था, वो थक गया था, इसलिए सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने वहाँ पर पानी पिया और देखते देखते उस बरगद के पेड़ के नीचे उसे नींद आ गई। जब वो खर्राटे मारकर सो रहा था, तभी शोर शराबे ने उसकी नींद अचानक उड़ा दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बंदरों के सर पर उसकी टोकरी में रखी हुई टोपियां रखी हैं और उसकी टोकरी में तो एक भी टोपी नहीं बची है। वो चिंता के मारे अपना माथा पीटने लगा, क्योंकि उसका सारा माल लुट चुका था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। जब बंदरों ने उसे माथा पीटते देखा तो बंदर भी माथा पीटने लगे, क्योंकि बंदर तो नकलची जानवर होता है। अब बंदरों की उसकी नकल उतारने पर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि अब वो अपनी टोपियां वापस कर सकता है इन बंदरों को नकल कराकर। उसने अपने सिर पर लगी टोपी उतार कर फेंक दी। बस फिर क्या था, बंदर उसकी नकल कर रहे थे, बंदरों ने भी टोपियां निकाल कर फेंक दी। जब उस बंदरों ने सारी टोपियां उतार कर फेंकी तो उसने झट से सारी टोपियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी और अपनी टोकरी पर रखकर अपनी राह पकड़ ली। दोस्तों, कहानी छोटी जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी प्रेरणा हमें जीवन में छोड़ती है। सूझबूझ से हर समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं, इस कहानी को कहने का मेरा लुबाब यही है। कोई भी अगर मुसीबत आए तो उससे हारना नहीं है, बस अपनी सूझबूझ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, उस परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। बस यही कहानी का मोटिव मैं आपको देना चाहता हूँ। जीवन है, परेशानियां आएंगी, परेशानियां आए तो डरना घबराना नहीं है, शांति से उसका हल सोचना है और उस उपाय को करके उस परेशानी से बाहर आना है, ताकि आप इस कहानी को पढ़कर जो सीख रहे हैं उसे जीवन में उतार कर अपने जीवन में अपनाकर वो सारी चीजें कर सके जो आप गुस्से में नहीं कर सकते हैं। गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है, सूझबूझ से ही हल निकलेगा। अगर सूझबूझ से काम लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ये भी बात 16 आने सच है। इसलिए गुस्सा ना करके सूझबूझ का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि लगाएं। अपनी बुद्धि हमेशा बुरे वक्त में काम आती है, इस बात का इल्म भी आपको होना चाहिए। अगर आपने बुरे वक्त में अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो देखना आपकी छोटी से बड़ी हर समस्या का समाधान चुटकी बजाते हो जाएगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो मेरी इस कहानी को दूसरों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।